मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को आधी रात को कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी सूची में कांग्रेस ने 88 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस ने 3 टिकट बदले हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी का पत्ता कांग्रेस ने काट दिया। देखिए रिपोर्ट। आधी रात को कमलनाथ ने किया टिकटों का धमाका। दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। एमपी की 229 सीट पर कांग्रेस ने खोल दिए पत्ते। अब भाजपा की लिस्ट का इंतजार, दावेदार हुए बेकरार। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आधी रात को 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था। इस तरह कांग्रेस ने 230 में से 229 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इंदौर की 5 नंबर विधानसभा से सत्यनारायण पटेल, 3 नंबर से दीपक पिंटू जोशी, महू से रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की इस दूसरी सूची में कई नाम चौंकाने वाले भी हैं। साथ ही 3 सीटों पर उम्मीदवारों के टिकट बदले गए हैं। एकमात्र बैतूल जिले की आमला सीट बची हुई है, जिस पर प्रत्याशी घोषित किया जाना बाकी है। माना जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के लिए छोड़ी हुई है। कांग्रेस की इस दूसरी सूची के लिए बुधवार और गुरुवार को दिन भर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन चला। समिति की बैठक में खुद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी मौजूद थी। इसके साथ ही राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिन सीटों पर नाम बदले गए हैं उसमें दतिया, गोटेगांव और पिछोर विधानसभा शामिल है। दतिया से अवधेश नायक का टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को दिया गया है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह का टिकट बदलकर अरविंद सिंह लोधी को दिया गया। गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काटा गया था, उनको वापस टिकट दिया गया है। बीजेपी से बगावत कर दलबदल करने वाले 4 नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिया। इसमें सेमरिया से अभय मिश्रा भी शामिल हैं, जो बुधवार को ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अन्य बागियों में होशंगाबाद से गिरजा शंकर शर्मा, खातेगांव से दीपक जोशी और निवाड़ी से अमित राय शामिल हैं। यहाँ पर कांग्रेस से आस लगाए रोशनी यादव को भी टिकट नहीं मिला। वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।